Morning, all of you students. Today we are going to start with our mathematics subject of class 3rd. Okay, now open your book, students. Today we are studying chapter number 9, length and its measurement. Okay, students, this is our topic name. Page number 53 has been completed. Now let's start page number 54. चलिए रूल नंबर 3 हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. रूल नंबर 1 और 2 आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, रूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. टू चेंज सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में को चेंज करना है मीटर और सेंटीमीटर में से. ओके स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 100, यानी मीटर और सेंटीमीटर में से हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करना है? 100 से. जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, लेकिन जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा. वी पुट मीटर आफ्टर द क्वेश्चन एंड सेंटीमीटर आफ्टर द रिमाइंडर. मतलब जब भी हम इसे डिवाइड कर देंगे तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसके आगे हमें क्या लिखना है? मीटर. और उसके बाद, और जब सेंटीमीटर हमें कैसे लिखना है? जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर के बाद हमें क्या लिखना है? सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट्स, इन सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट वी राइट मीटर आफ्टर 2 डिजिट्स एंड देन आफ्टर इन द लास्ट वी राइट सेंटीमीटर. जब सेंटीमीटर राइट से स्टार्ट होगा तो हमें 2 डिजिट्स लिखनी है, उसके बाद हमें क्या लिखना है? सेंटीमीटर उसके बाद में. ठीक है, देखिए 528 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर. तो इसे हमें देखिए कैसे डिवाइड करना है. 528 को डिवाइड करना है 100 से. तो 5 into 500, तो आंसर क्या, रिमाइंडर कितना बचा? 28. तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 5 यानी मीटर हो गया 5 मीटर और रिमाइंडर हो गया 28 सेंटीमीटर. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर 28 सेंटीमीटर. ऐसे ही अगला है 3896 यानी 3896 सेंटीमीटर. मैंने इसको डिवाइड किया है, देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने 100 3 300, तो ये 896 यहाँ बचा. फिर इसको 8 से डिवाइड किया तो 96 या रिमाइंडर में बचा, तो 38 मीटर और 96 सेंटीमीटर हमारे पास रिमाइंडर में बचा. चलिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं. टू चेंज किलोमीटर टू मीटर. किलोमीटर को मीटर में बदलना. किलोमीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 100,000. एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. कितने होते हैं? 1000 मीटर. तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, और जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो उसे हमें मीटर में उसको लिखना होगा. वी पुट 3 जीरोस आफ्टर किलोमीटर एंड देन वी राइट मीटर. और हमें किलोमीटर जो हमें 3 जीरो लिखनी पड़ेगी किलोमीटर के बाद, और उसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें बाद में? मीटर, नॉट किलोमीटर. देखिए 17 किलोमीटर, 17 × 1000 मीटर, तो आंसर आया 17,000 मीटर. ऐसी 80 किलोमीटर, इसको 100,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 मीटर आंसर आएगा. तो स्टूडेंट्स अभी हम यही तक करेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी ऑल ऑफ यू. एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.